इसमें हमारे साथ साधक बैठे हुए थे, साधक सहायिकाएं थी। मैंने एक प्रश्न पूछा, हम कहां जा रहे हैं आपको पता है? तो सब लोगों ने कहा हमें पता है। कहां जा रहे हैं? अंबा शक्तिपीठ जा रहे हैं, अंबाजी का शक्तिपीठ है, भारत का सबसे बड़ा शक्तिपीठ वहां जा रहे हैं। बोलो मैं वहां का वहां क्या है? तो उन्होंने कहा माँ का हृदय पड़ा हुआ है, माँ का हृदय जैसे सती के अंग पड़े वैसा वहां सती का हृदय पड़ा हुआ है। तो फिर बोलो आप सब लोग एक बार माँ के हृदय के बारे में बताओ, ऐसा मैंने उससे पीछे पूछा। तो बोले माँ का हृदय तो बहुत कोमल होता है। सभी लोगों का नॉर्मल था, माँ का हृदय कैसा होता है? कोमल होता है, वो तो आशीर्वाद देने वाली होती है, वो अपने बच्चों को पालने वाली होती है, यही सभी उनका उत्तर था। लेकिन मैं उसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ, वो महान वो माँ नहीं थी, वो सती थी। और उसका हृदय कोमल नहीं था, संतप्त था, तप्त हो गई थी वो अपने पिता के उस कहने पर कि उनके पति का अपमान हो रहा था। वो संतप्त हृदय वाली माँ का हृदय जहाँ पड़ा वो अम्बा थी, वहां वो अम्बा का हृदय है। अपने पिता का निराकरण करें कि अपने पति के अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकते हुए ऐसा हृदय पड़ा हुआ है उस अम्बा शक्तिपीठ में। तो उसकी शक्ति के बारे में अगर हम जाने तो माँ के हृदय से भी महान। वो संतप्त हृदय है जिस हृदय में ये जलन थी कि मेरे पति का अपमान हुआ है, और वैसा हृदय जब उसने सती ने अपना शरीर उस यज्ञ कुंड में डाला और उस शरीर को लेकर शिव गए और उसका हृदय पड़ा, तो हृदय कोमल हृदय नहीं है, वो हृदय है संतप्त हृदय है, अपमान को न सहन करने वाला हृदय है, ऐसी शक्ति प्रदान करने वाला जो सारे देवताओं को इकट्ठा करके हुए एक ही बार में एक फूंक में हटा देने वाला ऐसी शक्ति है। वो ऐसी शक्ति है अम्बा अम्बा शक्तिपीठ की। जब वशिष्ठ जी ने पूछा कि गुरु जी कौन सी साधना है, तो मैंने कहा सर्व देवी देवता प्रत्यक्ष साधना शिविर है। ये बात मैंने क्यों कही कि माँ का संतप्त हृदय है, वहां अगर माँ के हृदय को जागृत कर दो तो देवता है तो आएंगे आएंगे, उनको आना ही पड़ेगा। लेकिन उस हृदय को चैतन्यवान करने की प्रक्रिया आनी चाहिए, उस हृदय को जगाने की प्रक्रिया आनी चाहिए। किस तरह जगाते हैं उस हृदय को? क्या वो माँ का हृदय था या अम्मा का सती का हृदय था? सती के हृदय में और माँ के हृदय में क्या भेद होता है? किस तरह उस हृदय की पूजा की जाती है? कुछ तरह उस अम्बा को जागृत किया जाता है? सती में ऐसी कौन सी देवताएं थे जो सारे देवताओं को मिलाकर रख सकी? दक्ष प्रजापति के पिता का सर कट गया, देवताएं भाग खड़े हुए, ऋषि जिधर उधर भागने लगे जो वीरभद्र आया शिव जी की जटा से, जिसने पूरे संसार में हलचल मचा दिया था, ऐसा हृदय पड़ा हुआ है वहां। और उस हृदय को एक बार चेतना दो तो दो सारे भारत को या गुजरात सारे भारत को गिरा देने की शक्ति रखता है उस अम्बा के हृदय पर, सारे संसार को गिरा देने की शक्ति रखता है। लेकिन हम उस शक्ति को जागृत कर सके या उस शक्ति को चैतन्यवान बना सके या उस शक्ति से ये शक्ति ले सके कि हम अपमान नहीं सहन करेंगे, हम मान से जिएंगे, और ये मान से जीने की प्रक्रिया इस हृदय से प्राप्त होती है जो यहां से टीका हृदय पड़ा हुआ है। इस विद्या को इस साधना को संपन्न करने के लिए मैं वहां चल जा रहा हूं। वो साधना क्या है? उस साधना को जागृत करने से उस हृदय को जागृत करने पर किस तरह देवी देवता आते हैं? देवी देवताओं को आना ही पड़ेगा। माँ के बुलाने पर बेटा आएगा या नहीं आएगा ये बात अलग है, लेकिन वहां के हृदय पर अगर वो चिंकार वो एक बार पुकारेगी तो सारे देवता आकर खड़े हो जाएंगे, क्षमा मांगेंगे, कहेंगे कि तुम जिस हृदय को चेतना प्रदान कर रहे हो वहां किसी के बस की बात नहीं होगी, वहां शिवजी भी आएंगे, भगवान विष्णु भी आएंगे। हम उस हृदय को किस तरह चेतना दे सकते हैं, यह प्रक्रिया हमें सीखनी चाहिए। गुरु से यह प्रक्रिया सीखनी चाहिए। वह अपमान सहने वाला हृदय नहीं है, वो माँ की वो शक्ति है जिसे मान चाहिए, जिसे अपने पति का, अपने देश का, अपने भवितव्य का, अपने घर का गौरव चाहिए, अपने गौरव का मान के लिए सती ने अपना हृदय वहां दिया था, वो संतप्त हृदय वहां पड़ा हुआ। हम उस हृदय को किस तरह चेतना प्रदान कर सकते हैं, किस तरह साधना कर सकते हैं हम वहां? वह साधना जिसके बारे में गुरु जी ने कहा था कि वहां अम्बा शक्तिपीठ में सारे देवताओं ने अपने अपने हृदय भी वहीं रखे हुए। हृदय का अर्थ होता है उनका उनके उनके मन की प्रक्रियाएं, उनका चिंतन कि कहीं मां चैतन्यवान ना हो जाए और सारे संसार को भुला देने की शक्ति ना करें। वहां ऐसे रत्न हैं जो भगवान अपने सारे किरीटों को वहां रखकर छोड़ के भाग गए और मां से प्रार्थना किया था, अम्बा सती जी से प्रार्थना किया था कि आप शांत हो जाओ, आपका संतप्त हृदय शांत हो तो हम सब लोग जी सकते हैं, नहीं तो नहीं, सारे देवता भी भाग खड़े हो जाएंगे।
उसको चेतना प्रदान करना, उससे चेतना लेना, उस शक्ति को जागृत करना और उस शक्ति का आह्वान करने से हम सारे देवताओं की शक्ति हमारे में आह्वानित कर सकते हैं। ऐसा शक्तिपीठ है अम्बा का, उस वो शक्तिपीठ जिसे जहां मां का सती का हृदय पड़ा हुआ है। ऐसी साधना ही कल मैं करवाने जा रहा हूं, जहां वहां करना चाहिए। मैं इन क्षेत्रों को क्यों चुनता हूं, उस क्षेत्र के बारे में क्यों जानना चाहता हूं, उत्कंठेश्वर महादेव जी हो या फिर अम्बा शक्तिपीठ हो या माउंट अबू हो, जिसे माउंट अबू कहे या अरावली पर्वत कहे, जो हमारे कृष्ण के जमाने से आ रहे हैं। आज अगर हम कहें वशिष्ठ जी मथुरा के रहने वाले हैं, उन्होंने एक बार पूछा था गुरु जी मेरा कुल देवत क्या है, हमारा कुल देवत क्या है। वशिष्ठ जी ने पूछा था मुझे, वे वैष्णव है, तो मैंने कहा, उन्होंने ये बात में बताई कि भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार अंबाजी के पास हुआ था और मुंडन संस्कार केवल वही होता है जहां उसकी कुल देवता होती है, और माँ अंबाजी उनकी कुल देवता है, भगवान कृष्ण की कुल देवता है, तो वशिष्ठ जी की कुल देवता है, सारे वैष्णव की कुल देवता है माँ अंबा, और वहां कुल देवता जब है तो मथुरा और द्वारका दोनों अगर बसे हैं वहां, जब श्री कृष्ण जैसे यशोदानंद हो या वसुदेव देवकी, जब मुंडन संस्कार वहां हुआ तो भगवान कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ, तो कुल देवता उन वैष्णवों की है जिन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की है। तो ऐसी जगह जहां भगवान कृष्ण हो या भगवान राम हो या सारे सप्तऋषि सप्तमहर्षि हो, जहां पर नतमस्तक होते हैं और अपने शरीर को जागृत करने की शक्ति चाहते हैं। अगर आपको पता है तो भगवान दत्तात्रेय जी हो या दत्तात्रेय जी की माता अनुसुईया हो, उन्होंने वहां साधनाएं संपन्न की। भगवान श्री कृष्ण की साधना संपन्न थे ही, मां रेणुका के पुत्र पुरुषराम जी ने भी वहां साधना संपन्न की और शक्ति प्राप्त की। भगवान श्री गणेश जी ने भी वहां साधना संपन्न की थी। ऐसे स्थान आज भी उन पर्वतों में मिलते हैं, ऐसा गुरु जी ने कहा। हम उन स्थान पर अगर उस विशिष्ट मंत्र का, सती अम्बा का मैंने जैसे कहा, अगर हम सती माता के हृदय को वहां मां की पुकार करें तो वह कोमल हृदय नहीं है, वो आपकी पुकार नहीं सुनेगी। वह संतप्त हृदय वाली माँ है। वो संतप्त हृदय को किस तरह तृप्त किया जाता है और किस तरह शिव जी ने और भगवान विष्णु ने वहां उनकी स्थापना की थी और कौन सी ऐसी शक्ति थी जो हम प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम उस ऊर्जा को, शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी साधना, ऐसा मंत्र कौन सा है। भगवान परशुराम जी ने भी महाकाल संहिता में कहा गया है कि वहां अम्बा शक्तिपीठ में कौन सा मंत्र करने से मनुष्य ऊर्जावान होता है। दस महाविद्याओं को केवल अम्बा शक्तिपीठ में एक बार की साधना करने से हम उस शक्ति को जागृत कर सकते हैं, और वो केवल जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो उस दिन अम्बा शक्तिपीठ में बैठा हुआ व्यक्तित्व सुबह से शाम तक बैठकर उस केवल एक मंत्र की साधना करता है तो दस महाविद्याओं को दर्शन प्राप्त कर सकता है। वह मंत्र कौन सा है, वह मंत्र किस तरह उसकी साधना की जाती है, कौन सी साधना से हम इन दस महाविद्याओं के बारे में जो गुरु जी कहा करते थे, आपको अगर पता होगा, अभी जैसे पंड्या जी आए थे, अगर उनको पता है तो गुरु जी जोधपुर से निकले हुए सारे जितने भी शिविर पहले उन्होंने शिविर करने की पहली पहल आरंभ की तो वो गुजरात से आरंभ की और वो भी अम्बा शक्तिपीठ से, गुजरात में ही गुरु जी के शिविर हुए। गुजरात के साधक गुरु जी को अच्छी तरह पहचान थी। मैं बहुत बाद वाला एक गुम हूं जो उनकी चेतना को लेकर आगे आगे बढ़ते हुए आ रहा हूं, लेकिन